मैं उन्नाव के सूर्य मंदिर में मौजूद हूँ, वहाँ साथ एक भक्त श्रद्धालु मौजूद हैं। आपका क्या शुभ नाम है? आलोक झारिया। आलोक झारिया जी। आलोक जी, ये जो मंदिर मैं देख रहा हूँ काफ़ी पुराना है, इसके बारे में कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। ये बहुत विश्वविख्यात सूर्य भगवान का एकमात्र स्थान ऐसा है जहाँ वो सब परिवार निवास करते हैं, और इनके यहाँ की एक विशेषता है कि जहाँ पे इनका स्थान होता है इनके चरणों के आगे नदी निकलती है, तो इनका प्रमुख स्थान माना जाता है। और उन्नाव क्षेत्र में दतिया जिला में ये जो है पूरे विश्व में एकमात्र ऐसा प्रख्यात स्थान है जहाँ बालाजी भगवान सपरिवार निवास करते हैं, और यहाँ पर आदि अनंत से अखंड ज्योत जलती चली आ रही है जो मंदिर में विराजमान है। मुख्य पर्व पर ये जो है ज्योत बाहर रख दी जाती है, और उसमें जो है बालाजी भगवान को जल और घी चढ़ता है, जल और घी इनका विशेष जो है इनको महत्व है भगवान को जल चढ़ाने का और घी चढ़ाने का, और इनकी अखंड जो आदि अनंत से चली आ रही है, और इनका जो है यही है, और पूरे विश्व में भव्यता में, लेकिन चूंकि इस वजह से इनका थोड़ा सा वो हो पाता है, और इनका जो है प्रचार प्रसार होना चाहिए भगवान की महिमा अपार है। लेकिन यहाँ मैंने कहा तो कहते हैं कि वीडियो नहीं होगा, ये नहीं होगा, ऐसा क्यों ये लोग इस तरह का आडम्बर ढोंग करने लगे हैं कि वीडियो मत खींचो, इससे क्या इनको तो लाभ ही होगा, प्रचार होगा, प्रसार होगा। आजकल तो जमाना प्रचार प्रसार का ही है, अगर हमारे मंदिरों का प्रचार प्रसार नहीं होगा, जनमानस तक हम नहीं पहुँचेंगे। चुनाव भी होते हैं, उसमें यही होता है कि जनमानस तक पहुँचना जरूरी है आपको जी। तो मंदिर को भी जनमानस तक पहुँचना आवश्यक है कि हमारे पास क्या है हम लोगों को बताएं, तो अगर हम छुपा के रखेंगे ढक मूंद के तो कैसे नई पीढ़ी जानेगी। नहीं नहीं, ये इनका प्रचार प्रसार बहुत आवश्यक है जी जी, और ये बहुत ज़रूरी है। बालाजी की महिमा हर क्षेत्र में चारों तरफ फैलना चाहिए। दतिया स्टेट वालों का बनवाया हुआ है, मुख्यमंत्री ने बताया कि चौदहवीं पीढ़ी पहले यहाँ के राजा, हाँ दतिया के जो राजा थे उन्होंने निर्माण करवाया था इस मंदिर का। हाँ जी, करीब कोई 1500-1600 ईस्वी में। अच्छा, 1500-1600 ईस्वी में आप कम कर रहे हैं, 500 तो आ गई, 500 साल तो पुराना हुआ। ये दतिया स्टेट जब से चली ऐसा और पुराना हुआ जी, उसका जो है जीर्णोद्धार हुआ था मंदिर। अच्छा अच्छा, जीर्णोद्धार हुआ इसका 1600 के आसपास जो है, बाकी फिर और पुराना है ये। मतलब उस वक्त ये इसमें मठिया आई होगी, छोटा रहा होगा, धीमे धीमे बड़ा होता गया और इसको भव्य रूप दे दिया गया, तो ऐसा रहा होगा। Thank you.